मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मींस हाउ टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस सीखने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। हमारी एक वीडियो है ऑलरेडी इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे, आप उसे पहले देखें, उसको समझें, उसके बाद आप पैसिव वॉइस समझेंगे तो ही आप पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस समझ सकते हैं। पैसिव वॉइस में हमने बात की थी, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने बात की थी कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम आज्ञा, प्रार्थना, मना करना या एडवाइस जैसे सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कोई काम करने के लिए मना कर रहे हैं, वो सेंटेंसेस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो वो कैसे बनाना है, हम उसे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस है कि एक गिलास पानी लाओ। इसका मतलब मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि भाई एक गिलास पानी लाओ। अब ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन, ये चार हमारी सेंस हैं। तो ये हमने जो सेंटेंस बनाया है एक्टिव वॉइस में बनाया है कि भाई एक गिलास पानी लाओ, उसको हम सीधा सा बनाएंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये पैसिव वॉइस नहीं है। अगर हमें इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें यूज करना है इन चारों में से एक फॉर्म, जैसे कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर फॉरबिडन और यू आर एडवाइज्ड, और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है, अफर्मेटिव है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो एक गिलास पानी लाओ, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हमें इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें देखना है इसमें सेंस किस चीज की है, ऑर्डर की है। भाई हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो हम यूज करेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद हमने क्या किया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर दी, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर आप रिक्वेस्ट की सेंस में लेना चाहते हैं कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। भाई इतना सा डिफरेंस है कि अगर आप रिक्वेस्ट की सेंस में कह रहे हैं तो आप रिक्वेस्टेड लगाएंगे, अगर आप ऑर्डर की सेंस में कह रहे हैं तो ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ये भी एक्टिव वॉइस है, डोंट मेक अ नॉइज हियर। ये इंग्लिश में है, हमने पहला एग्जाम्पल हिंदी में लिया था। डोंट मेक अ नॉइज हियर मतलब यहां पर शोर मत करो। अब आपको क्या लगता है, हम इसे फॉरबिडन में भी ले सकते हैं और ऑर्डर्ड में भी ले सकते हैं। इस एक सेंटेंस को हम यू आर ऑर्डर्ड में भी ले सकते हैं और यू आर फॉरबिडन में भी ले सकते हैं। तो पहले फॉरबिडन वाला देख लेते हैं। यू आर फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना, कि भाई आपको मना किया जाता है। यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज हियर, टू मेक अ नॉइज हियर, यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज हियर। क्योंकि फॉरबिडन ऑलरेडी मना करने की सेंस है तो इसके साथ आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। You are forbidden to make a noise here. हाँ, अगर आप यहाँ पर ordered लेते, you are ordered, तो हम यहाँ पर लिखते not to make a noise here. You are ordered not to make a noise here. क्योंकि order के साथ हमें sentence को negative sense देनी है तो not का use करना पड़ेगा, लेकिन forbidden already negative sense है, फॉरबिडन मतलब मना करना, तो उसमें नॉट की सेंस ऑलरेडी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज हियर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा टेक सम मेडिसिन। ये हम किसी को सलाह दे रहे हैं एक तरह से, भाई दवाई ले लो थोड़ी सी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो टेक सम मेडिसिन। तो हम यूज क्या करेंगे पैसिव वॉइस में, यू आर एडवाइज्ड टू टेक सम मेडिसिन, क्योंकि हमने अब उसको सलाह दी है, तो हम बोल रहे हैं आपको सलाह दी जाती है, यू आर एडवाइज्ड टू टेक सम मेडिसिन, कि थोड़ी सी दवाई ले लो। ठीक है, तो ये है इंपेरेटिव का सेंटेंस। अगर आपको इंपेरेटिव को पैसिव वॉइस में बनाना है तो यू आर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन एटसेट्रा यूज करना है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारे मेहनत करने का दिल और ज्यादा करता है। तो कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।
तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।